शिवा, मेरी एक फ्रेंड है, वो रेफरेंस दे रही है। इंटरव्यू के लिए जाओगे? अगर वो जॉब भी चली गई तो? मतलब जॉब करनी ही नहीं है? नहीं करूंगा, बिजनेस करूंगा। ये क्या, खाना क्यों नहीं बनाया? क्यों, मैं क्या इस घर का बावर्ची हूँ? खाली तो बैठे रहते हो। इतना बोझ बन गया हूँ क्या? दिन ब दिन तुम गिरते जा रहे हो शिवा। तुम बहुत आगे बढ़ रही हो शशि, इसलिए मैं नीचे गिर रहा हूँ ऐसा लग रहा है क्या? हेलो शिवा, कहाँ हो? ओ, आऊंगा कहाँ था लेकिन भूल गया। तुम भूल गए? अभी नहीं आ सकता, तुम खुद ही आ जाओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा शिवा, इसलिए तुम्हें बुला रही हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं दारू पीने आया हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड शशि। प्लीज शिवा, मेरा मूड नहीं है। लेकिन मेरा तो है ना शिवा। लेट्स ब्रेक अप। हम खुश तो है ना शशि? रोज हाफ एन आवर जो तुम मुझे बेड में सेटिस्फाई करते हो, उसके लिए मैं 23.5 आवर्स तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो लेट्स ब्रेक अप। वैसे भी जब सब सही चल रहा है तो साथ देने का मतलब बनता है, पर ऐसे छोटे मोटे झगड़ों से कोई ऐसे अलग थोड़ी हो जाता है। डोंट ट्राई टू कन्विंस मी, आई ऑलरेडी टुक द डिसीजन। वैसे तुमने सच में प्यार किया था क्या? सर, जब पी मैंने रखी है तो तुझे नशा चढ़ रहा है? नहीं सर, सॉरी सर। मंजिल यही है बॉस, मुझे भी यही गाना चाहिए। वो मुझे छोड़ के चली गई भाई। ये लड़कियां हमें बिल्कुल समझ नहीं पाती है। आपका घर आ गया। सुपर्ब गाना लगाया था भाई। थैंक यू सर। तुम्हारे लिए 100 और सॉन्ग के लिए 100। एंजॉय। आप सुपर हो सर। प्यार में चाहे जो भी हो सब भुगतेंगे। अरे शशि, तुम आ गई। ये फुलिश बिहेव मत करो शशि, छोटी छोटी बातों से कोई जुदा होता है क्या? अगर कभी कभार हो तो छोटी बात होती है, बहुत बार हो तो बड़ी बात होती है, और अगर रोज हो तो? लुक शशि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी साइड से गलती नहीं हुई है, लेकिन मैं भी तुम्हारी गलती पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं ना। लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स। तुम्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा और मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे इन सबकी जरूरत नहीं है। एनीवे, आई टुक अ डिसीजन एंड आई डोंट वांट टू बी विद यू एनीवे। कोई परवाह नहीं, एक साल में माइंड रीडिंग तुमने बहुत ही अच्छे से सीख लिया। मेरे मन में क्या है तुमने भी वही कहा। अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, और मेरी गलतियां मुझे रोज याद दिलाना चाहती हो तो वो फोटो वहीं पर रखना होगा। यहां रहोगे तो रोज तुम्हारी याद आएगी, इसलिए ये घर छोड़कर जा रही हूं। तो इस फोटो में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ये कैसे सोच लिया? ना ये फोटोज चाहिए, ना फोन में फोटोज। तुमसे रिलेटेड मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग योर नंबर। आई हैव डिलीटेड एवरीथिंग। एक काम करो, तुम भी सब डिलीट कर दो। कोई बात नहीं, कर दूंगा।
नो, अभी करो, इन फ्रंट ऑफ मी। क्यों, भरोसा नहीं है क्या? ओह सॉरी, भरोसा होता तो हम दोनों अलग ही नहीं होते ना। फोन कहाँ रख दिया? इतनी पी ली थी कि फोन कहाँ रखा ये भी याद नहीं है। जरा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। अगर इतनी जल्दी है तो कॉल करो ना, रिंग सुनाई देगी। ओह सॉरी, मेरा नंबर तुमने डिलीट कर दिया होगा ना, वापस बता दूं? अच्छा याद है, फोन फॉर्मेट करने जैसा इजी नहीं है, इसे फॉर्मेट करना। इट्स रिंगिंग। लेकिन यहाँ की सुनाई नहीं दे रहा। साइलेंट पे रखा था क्या? अब कहाँ रखा है ये नहीं पता तो फोन साइलेंट मोड में है या फ्लाइट मोड में है ये कैसे पता चलेगा? क्या हुआ? Someone cut the call. क्या? कट कर दिया? Call again. Speaker. Speaker on करो. Switched off. शशि, फोन कहीं नहीं जाएगा। अगर गुम हो भी गया हो तो क्या हुआ? चार दीवारी के अंदर रहनी चाहिए वो चीजें टेक्नोलॉजीज की वजह से पब्लिक हो जाती हैं, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। इससे कुछ लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये टाइम पास है। लोगों का सोचना है कि बदलते समय के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। हमारे देश के युवक गलत राह पर चल पड़े हैं। पहले ऐसी चीजें सिर्फ परिवार के बीच रहती थी, पर अब टेक्नोलॉजीज की वजह से ये लोगों के बीच आ जाती है, जिससे कि काफी लोगों की निजी जिंदगी पर असर पड़ता है, जो कि ठीक नहीं। बेंगलुरु के एक पार्क में बना एक रोमांटिक वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर हलचल मचा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने की वजह से उस महिला ने आत्महत्या कर ली है। लोग दुख जाहिर कर रहे हैं, पर क्या उनके दुख जाहिर करने से इस लड़की की जान वापस आ जाएगी? रो मत शशि, वो वीडियो हमारा नहीं है। हमारा वीडियो भी लीक हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा शशि, हिम्मत रखो ना।